हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स देखेंगे। ये 13 वर्ड हैं, सारे हम ट्रिक से करेंगे, सब प्रीवियस ईयर हैं। फ्रेंड्स, हर वर्ड आ चुका है दो दो तीन तीन बार, तो आप अच्छी तरीके से क्लास समझ लें और नोट्स बनाते चलें। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला वर्ड है इमिकेबल। इमिकेबल मीन्स होता है फ्रेंडली या मैत्रीपूर्ण। इसको याद रखने की ट्रिक है फ्रेंड, देखिए यहां से निकाल लेंगे ट्रिक। देखिए इमिकेबल मीन्स होता है अमी केबल। अमी से बना लेंगे अम्मी, केबल से केबल योग, तो अम्मी योग है मित्रता के। यहां से समझे, आपके मोहल्ले में बहुत सारी आंटी हैं तो वो बात कर रही हैं कि अम्मी योग है मित्रता की, मतलब अम्मी योग है मित्रता की। नेक्स्ट है अपोजिट। एक आपने वर्ड सुना होगा अपोजिट, उसी में ओ के स्थान पर ए आ जाता है फ्रेंड, तो इसका अपोजिट पढ़ना है अपोजिट। एपोसिएट इसका सिनोनिम है हिंदी है उपर्युक्त, मतलब अच्छा उचित जो आपके लिए सही है। इसको याद रखने की ट्रिक है, देखिए अपोजिट। अपोजिट मीन्स होता है, देखिए अपोजिट मतलब कोई आपके अपोजिट बैठा है, विरोध में बैठा है। अपोजिट मतलब कोई आपके पक्ष में बैठा है, तो वहीं से आपको रीड करना है अपोजिट से। ट्रिक लिख लें अपोजिट नहीं है उपर्युक्त है। अपोजिट आपको याद है, इसमें अपोजिट आ जाएगा अपोजिट, तो उपर्युक्त है। इसी से आपको याद रखना है अपोजिट वर्ड्स, क्योंकि इसमें ओ है यहाँ ई है। नेक्स्ट वर्ड है अर्कैन। अर्कैन मीन्स होता है हिडन या गुप्त, तो अर्कैन को याद रखने की ट्रिक है फ्रेंड्स, देखिए अर्कैन में छुपा हुआ है एक कैन, यहाँ पे अरे गुप्त चीज रखी हुई है। यदि कैन में कुछ रखा होगा तो वो आपको बाहर से दिखाई नहीं देगा, इसलिए वो क्या है गुप्त है, तो अरे कैन में कुछ गुप्त रखा हुआ है। चौथा है आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट मीन्स होता है डिस्टिंक्ट या फिर स्पष्ट। इसको याद रखने की ट्रिक है, देखिए आरटी से यहां निकालेंगे आरती, कुलेट से निकालेंगे कैलकुलेट। कुलेट ये वर्ब है, इसका मतलब होती है कैलकुलेट करना, कैलकुलेट स्पष्ट करती है, तो आरती कैलकुलेट स्पष्ट करती है। आर्टिकुलेट आरटी आरटी कैलकुलेट, तो आरटी कैलकुलेट स्पष्ट करती है। नेक्स्ट वर्ड है असर्टेन। असर्टेन मींस होता है डिस्कवर या सुनिश्चित करना, मतलब कोई भी चीज अगर निश्चित हो जाए गुप्त है वो निश्चित हो जाए डिस्कवर हो जाए, तो असर्टेन को याद रखना है फ्रेंड्स सर्टेन से। सर्टेन मींस भी निश्चित होता है, तो इसी से आपको इसमें यह वर्ड छुपा हुआ है, तो सर्टेन मींस होता है निश्चित, सर्टेन मींस होता है सुनिश्चित करना, वो भी निश्चित ही है, तो ये सर्टेन से आपको याद रखना है। नेक्स्ट वर्ड है ऑडेसियस। ऑडेसियस मींस होता है बोल्ड या साहसी, तो ऑडेसियस को आपको याद रखना है, देखिए ओडे से बना लेना है ओडी, जो ओडी कंपनी की गाड़ी आती है, और ओडी चलाने वाले कैसे होते हैं साहसी होते हैं। फ्रेंड जिसके पास ओडी होगी वो स्वाभाविक पैसे वाला होगा, और जिसके पास पैसा है वही आज की दुनिया में ताकतवर है, तो ओडी चलाने वाले साहसी होते हैं, तो ओडेसियस हो जाएगा बोल्ड या साहसी। नेक्स्ट वर्ड है अकबर। अकबर मीन्स होता है क्लमजी या बेतुका। इसकी फ्रेंड्स ट्रिक है, देखिए आपने ABCD के अक्षर हैं 26, तो उसमें से आपको एक ऐसे इमेजन बनाना है कि एक वर्ड मतलब एक वर्ड, एक वर्ड कैसा है बेतुका है, उसमें से कोई भी एक वर्ड है जो
बेतुका है एक वर्ड, जैसे क्यू है, कोई भी पी है, आप कोई भी सिलेक्ट कर लें, तो अकवर्ड मीन्स होता है एक वर्ड बेतुका है, एबीसीडी में एक वर्ड बेतुका है, इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, आठवां है ब्रूटल। ब्रूटल मीन्स होता है सेवेज या क्रूड। इसको याद रखने की ट्रिक है, देखिए ब्रूटल से आपको निकालना है बार बॉटल, तो बॉटल, तो उसने बॉटल तोड़ दी, सेंटेंस बना लेना है, उसने, देखिए उसने बॉटल तोड़ दी, इसलिए वो कैसा है, क्रूर है, नहीं तो कोई बॉटल क्या तोड़ेगा, ये बॉटल तो काम की चीज है, इसलिए उसने बॉटल तोड़ दी। नेक्स्ट है केजोल मीन्स होता है इंटाइस से किसी को फुसलाना या फिर लुभाना, तो केजोल को याद रखने की फ्रेंड से काजल, काजल जो एयरकल है काजल, तो काजल सबको क्या कर लेती है, फुसला लेती है, फुसला लेती है, काजल सबको फुसला लेती है, बहका देती है अपने रास्ते से, इसी का मतलब होता है कैजुअल। कैजुअल मींस होता है एंटाइस, इसको याद रखने की ट्रिक है फ्रेंड्स, काजल मींस होता है फुसला, तो काजल जो एक्टर है लड़की, काजल फुसला लेती है सभी को। नेक्स्ट वर्ड है कैप्रिशियस। कैप्रिशियस मींस फ्रेंड्स होता है मनमोजी या विम्सिकल, विम्सिकल या मनमोजी, मतलब जो किसी की बात ना सुने, तो इसको याद रखने की ट्रिक है, देखिए कैप्रिशियस, कैप यहां से निकालेंगे सास, कैप और सास, जो कैप वाली सास होती है, मतलब कोई भी जो ससुराल में सास होती है तो वो किसी पद पर है, मान के चले पुलिस में है, तो कैप वाली सास बहुत ही मनमोजी होगी, कैप वाली सास बहुत ही मनमोजी होगी, आपकी ससुराल में जो आपकी सास है यदि वो पुलिस में है तो फिर वो अपनी बहुत मनमोजी करेगी, कैप्रिशियस कैप वाली जो सास है बहुत ही मनमोहक होगी। नेक्स्ट वर्ड है सीज। सीज मींस होता है फ्रेंड्स स्टॉप या रोकना, किसी भी चीज को रोक देना उसी स्थिति पर, तो सीज मींस होता है रोकना, सीज को याद रख लेना, जैसे आप बोलते हैं पानी को हमने सीज कर दिया, मतलब कहीं पे गड्ढा बनाया, पानी को हमने सीज कर दिया, जैसे जो बांध वगैरह बनते हैं वहां पे भी सीज ही कर दिया पानी, तो आपको जैसे इमेजिन कर लेना कि हमने किसी भी चीज को सीज कर दिया, सीज कर दिया, बंद कर दिया, बंद कर देंगे तो पानी रुक जाएगा, कोई भी चीज रुक जाएगी, तो सीज मींस होता है स्टॉप या रोकना। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं सेंसर। सेंसर मींस होता है निंदा करना, इसको याद रखने की ट्रिक है फ्रेंड, देखिए सेन सेव, यहाँ से सेव निकालना, सेन, सेन एक जाति होती है जो बाल वगैरह काटती है, आप गए होंगे सैलून की दुकान होती है सेन की, सियोर मींस निश्चित, सियोर मीन निश्चित, तो एक सेन ने क्या किया है, किसी के बाल बिगाड़ दिए, तो सेन की निश्चित तरीके से क्या होगी, निंदा होगी, निंदा होगी, सेन की निश्चित तरीके से निंदा होगी, सेन की दुकान पर कोई गया, सेन की दुकान पर कोई गया, उसने उसके बाल बिगाड़ दिए, मतलब उसकी गलत कटिंग कर दी, तो सेन की निश्चित तरीके से क्या होगी, निंदा होगी। नेक्स्ट वर्ड है सिविलियस। सिविलियस मींस होता है हीरोइक या सोल्जर, इसको याद रखने की ट्रिक है फ्रेंड, यहां से निकालेंगे सिव, यहां से रस, यहां से रस, जो शिव का रस पिएगा, मतलब शिव की भक्ति करेगा, जो शिव का रस पिएगा वो कैसा होगा, सोल्जर होगा, सोल्जर होगा, जो शिव का रस पिएगा वो सोल्जर होगा, आप सेंटेंस बना लें, जो सिर्फ का रस पिएगा, रस से फ्रेंड्स मतलब है भक्ति से, जो सिर्फ का रस पिएगा वह सोल्जर होगा। फ्रेंड्स इस तरीके से हमारी ये क्लास कंप्लीट होती है, आपने देखा है कि हमने सारे वर्ड स्ट्रक्चर से किए हैं फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर और भी पिछली क्लासें हैं, जो आठ है
ये आठवीं क्लासेस सिनोनिम्स की, और इस तरीके से हमारी 110 वर्ड हो चुकी है। 110 वर्ड का मतलब है 220, क्योंकि हमने इस तरीके से इस साइड भी आपको एक सिनोनिम बताया है, तो 220 वर्ड आपको ट्रैक से हो चुके हैं, जो कभी भूलने वाले आप नहीं है। बस आप क्लास को रिवाइज करते चलें, पिछली क्लास को भी रिवाइज करते चलें और नोट्स बनाते चलें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।